और थोड़ा मुझे उसके लिए बुरा भी लगता है अपने अपना 07 राइडर। दोस्तों आज तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वाले सच में ही UK07 राइडर के हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हैं, और UK07 राइडर के अलावा उनको घर में कोई और दिख ही नहीं रहा है जिसको वो टारगेट कर सकें। और केवल बिग बॉस वाले ही नहीं बल्कि कुछ सलमान खान भी हर वीकेंड का वार पर आते हैं और UK07 राइडर की बैंड बजा के चले जाते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, वो है UK07 राइडर। लेकिन दोस्तों अब UK07 राइडर की सपोर्ट में लोग बोलने लग गए हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बोलने लग गए हैं, और उनकी खुद की कम्युनिटी YouTube से भी लोग उन्हें अब सपोर्ट कर रहे हैं, और YouTube कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स UK07 को सपोर्ट करते हुए यही कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो तुम घर से बाहर निकल के आ जाओ, क्योंकि ये पूरा बिग बॉस का गेम ही तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। मतलब कि दोस्तों जहां स्टार्टिंग में UK07 राइडर को हेट मिल रहा था, वहीं अब UK07 राइडर को इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है बॉलीवुड सेलिब्रिटी और यूट्यूबर से। यहां तक कि बिग बॉस 16 के फर्स्ट रनर अप कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने भी UK07 राइडर को सपोर्ट करते हुए कहा है कि यार बिग बॉस वालों थोड़ी बहुत तो शर्म करो, अपनी दुकान चलानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मेंटली टॉर्चर किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि UK07 राइडर के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और मैं तो ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी एक कंटेस्टेंट के खिलाफ इतना बायस हुआ जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है UK07 राइडर के इस बिग बॉस सफर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। जय हिंद।